आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोपी अभिषेक गौर को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के ऑनलाइन सट्टा खिलाने के सबूत पुलिस जुटा रही है। आरोपी के पास से अनेक मोबाइल, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, लैपटॉप बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि स्मृति नगर चौकी अंतर्गत निर्भय यादव नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के सुसाइड नोट में अभिषेक गौर एवं अन्य द्वारा प्रताड़ित करने से आत्महत्या करने का उल्लेख था, जिस पर स्मृति नगर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एएसपी बीएन मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फरार अभिषेक गौर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने दी। स्मृति नगर का मामला है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक व्यवसायी के द्वारा आत्महत्या किया गया था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में अभिषेक गौर का नाम उल्लेखित किया था। उसी पर से आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तब से आरोपी जो है अपने सुकुनत से फरार चल रहा था। साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस आउट करते हुए नागपुर से शराबबंदी का पकड़ा गया है और अभी पुलिस रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ की जा सके। सर, बुक से भी जुड़ा है इसका नाम, ऐसा कुछ ऐसी उड़ती खबरें आती आ रही हैं और उसको संज्ञान में लेकर उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। रेडियन ना बुक का संचालन ये करता है, ऐसा सत्य? इसके पास सट्टा से संबंधित कुछ एविडेंस हमें मिले हैं, खासतौर से लैपटॉप और कुछ मोबाइल्स वगैरह। चूँकि अभी हम बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर हैं तो उसको साइबर की टीम खंगाल रही है और उससे जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ऐसा पाया जाता है तो उसी कार्रवाई करेंगे।